नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑन एयर भारत। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लगभग 5000 करोड़ रुपए की लागत से बने बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का उद्घाटन कर दिया है। एयरपोर्ट के डिजाइन की बात करें तो इसमें कर्नाटक और दक्षिण भारतीय संस्कृति की झलक साफ नजर आती है। ये एयरपोर्ट कई मायनों में अहम है, तो आइए अपनी इस वीडियो में बताते हैं कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कुछ खासियत। जैसे कि हम बता रहे हैं कि बेंगलुरु एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 की जो खूबसूरती है वो देखते ही बनती है। अगर आप इस टर्मिनल को देखेंगे तो इसमें आपको गोल्डन रंग से जो है जगमगाता हुआ पूरा इंटीरियर दिखाई देगा। इसके साथ ही टर्मिनल 2 को बेंगलुरु के गार्डन सिटी के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में भी डिजाइन किया गया है। इस एयरपोर्ट को देखकर ऐसा लगता है कि आप किसी एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि आप किसी पार्क में टहल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इसमें चारों तरफ हरियाली दी गई है वो काफी खास है और अहम भी मानी जा रही है। बेंगलुरु एयरपोर्ट की टर्मिनल 2 पर यात्रियों की बात करें तो यहाँ पर यात्रियों को संभालने की क्षमता के साथ साथ चेक इन और साथ में इमिग्रेशन के लिए काउंटर जो है वो लगभग डबल हो सकते हैं। वही आपको बता दें कि अभी यहाँ पर करीब 2 करोड़ से ज्यादा जो है सालाना यात्रियों को संभालने की क्षमता है, जो अब लगभग 5 से 6 करोड़ जो है हो सकती है। तो ऐसे में एक तरफ जहाँ इंटीरियर की बात हो रही है तो दूसरी तरफ इसमें कितने ज्यादा यात्री जो है वो आ जा सकते हैं वो भी देखा गया है और उसके द्वारा जो है इसमें चेंजेस लाए गए हैं। टर्मिनल 2 देखने में काफी आलिशान लग रहा है और यहाँ 17 सुरक्षा चेक इन के साथ कुल टर्मिनल क्षेत्र 2,55,645 वर्ग मीटर जो है वो किया गया है। टर्मिनल के गेट लाउंज की बात करें तो यहाँ पर लोगों के बैठने की क्षमता 5,932 है। वहीं टर्मिनल के अंदर और बाहर दोनों तरफ हरियाली देखी जा सकती है और यहाँ यात्रियों को बेहद ही लग्जरी अनुभव मिलने वाला है। आपका इस टर्मिनल के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की खबरें जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।